सिर्फ 120 रुपीज के अंदर ही आपको टी शर्ट देखने को मिलेंगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज तनीषा गुलाटी एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। तो आज करने वाली हूँ मैं अजियो का हॉल, और अजियो का हॉल इससे पहले मेरे चैनल पे कभी नहीं आया। और आप वैसे देखोगे ना, मेरे चैनल पे हमेशा ना अलग टाइप के हॉल आते रहते हैं। मैं अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ कि यार उनके क्लोथिंग आइटम्स कैसे हैं, क्योंकि एक ही ब्रांड से बार बार कपड़े लेने से ज्यादा तो हर जगह ट्राई करना चाहिए। और जितना भी मैं आपको हॉल दिखाने वाली हूँ ना, वो सारा 120 के अंदर है, मतलब सिर्फ 120 रुपीज के अंदर ही आपको टी शर्ट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें 90 रुपीज की टी शर्ट्स हैं, 100 रुपीज की टी शर्ट्स हैं, जो कि आजकल नहीं मिलती। ये सोच के हैरान थी कि यार अजियो में भी ऐसे मतलब प्राइजेस मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाता है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ना एक बिग लाइफ सेल चल रही थी, तो उस वजह से वहाँ पे टी शर्ट इतने की मिली। और ना अभी भी ये सेल चल रही है, तो अगर आप मेरे लिंक पे जाओगे ना तो आपको वो मिल जाएगी। तो आपको जो टी शर्ट पसंद आती है ना, आप जाके मेरे लिंक पे जाना और उसको ले सकते हो, क्योंकि अभी भी सेल चल रही है मेरे ख्याल से। तो स्टार्ट करते हैं मेरी फेवरेट टी शर्ट के साथ, क्योंकि मुझे इस टी शर्ट सबसे ज्यादा पसंद आई थी इसमें। तो इसका कलर लेवेंडर, और आप सबको पता ही है कि मुझे लेवेंडर कलर कितना ज्यादा पसंद है, और इसमें ना मोस्टली लेवेंडर कलर ही मंगाया है मैंने। तो इस टी शर्ट का प्रिंट देखो पहले तो, यार प्रिंट कितना अच्छा है। और इसका जब मैं आपको प्राइस बताऊंगी ना, आप क्या होगे यार, सिर्फ इतना प्राइस इसका। ये टी शर्ट पूरी 100% कॉटन की है और बिल्कुल ऐसे लूजर में बनी हुई है टी शर्ट, और काफी मतलब यार इसको हम घर में भी कंफर्टेबली पहन सकते हैं और बाहर तो पहन ही सकते हैं। ये टी शर्ट ना मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है ना, मतलब जब मैंने उसको मंगाया तो मुझे लगा ही नहीं था कि यार इतनी अच्छी आ सकती है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे लगा कि यार 90 रुपीज में वो क्या ही देंगे वैसे भी। पर जब ये टी शर्ट आई तो मुझे पता चल गया यार 90 रुपीज की, यार मैंने ऐसे टी शर्ट 500 रुपीज की ली है नेट से, ऑफलाइन से, सब कुछ जगह से, और ये सिर्फ मुझे 90 रुपीज की यहाँ पे मिल गई है। मतलब यार इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बिल्कुल हैवी वाली क्वालिटी, और ऐसी भी कोई क्वालिटी नहीं है कि मतलब हल्का कपड़ा भी बिल्कुल नहीं है, सी थ्रू भी बिल्कुल नहीं है। लाइव सेल में से मैंने ली थी, तो जैसे ही मुझे दिखी ना मैंने उसी टाइम इसको डाल दिया। और ये भी होता है कि ना वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक फटाफट हो जाती है, तो उसी हिसाब से डालना पड़ता है। तो एक टी शर्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी वहाँ पर वो जैसे ही मैंने अपने कार्ट में डाली ना, तो वो उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गई और उसके बाद आई ही नहीं। तो जैसे जैसे मैं आपको टी शर्ट दिखाऊंगी ना, तो आप उसी हिसाब से ना उसको परचेज कर लेना, नहीं तो वो आउट ऑफ स्टॉक उसी टाइम हो जाती है। नेक्स्ट टी शर्ट के ऊपर आते हैं, तो ये टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट इन्होंने बना रखा था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंट के ऊपर लिखा हुआ है एनी टाइम रेडी, और मैं इसको काफी रिलेट करती हूँ अपने तरफ से, क्योंकि मुझे ना फ्राइज खाना काफी पसंद है और यहाँ पे ना ऐसे क्यूट से फ्राइज बने हुए हैं। तो मुझे ये टी शर्ट काफी पसंद आई थी जब मैंने इसका प्रिंट देखा था ना, तो तभी मैंने इसको कार्ट में डाल लिया था। मैंने कुछ नहीं देखा यार प्राइस वगैरह कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि इसका प्रिंट ये बना हुआ है और मुझे पसंद आई और मैंने इसको कार्ट में डाल दिया। और इसका मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब यार इतना कंफर्टेबल है घर में, तो मैं इसको आराम से ना बहुत बार डालने वाली हूँ। मुझे ना ऐसी क्लोथिंग बहुत पसंद है जो काफी कंफर्टेबल होती है। तो मेरे जैसे जिसको मैकडी जाना पसंद है ना और फ्राइज खाना पसंद है, तो उसको ये प्रिंट काफी क्यूट लगने वाला है। मैंने तो इस प्रिंट को देख के ही इस टी शर्ट को लिया था, और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना ज्यादा उनका चीप प्राइस है ना टी शर्ट का, उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। जो 90 रुपीज वाली थी ना, उसकी क्वालिटी इससे भी ज्यादा अच्छी थी। सो अगेन मैंने ना इसका लेवेंडर कलर ही लिया था, क्योंकि मुझे लेवेंडर ही पसंद आ रहे थे मोस्टली ना, लेवेंडर कलर वाली टी शर्ट ही मुझे पसंद आ रही थी। वहाँ का प्राइस मुझे पड़ा था 120 रुपीज, और इससे अब तो कोई प्राइस की टी शर्ट मैंने ली ही नहीं है, तो ये 120 रुपीज की मुझे पड़ी थी। सो मैंने सोचा अब इतनी देर से लेवेंडर कलर की टी शर्ट दिखा रही हूँ ना, तो अब अलग टी शर्ट दिखानी चाहिए मुझे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लू कलर में मैंने ये टी शर्ट मंगवाई थी और इसके ऊपर लिखा है इंस्पायर। इसकी क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी, 100% कॉटन है। इसको मैंने ना एस में मंगवाया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा लूज लूज इसका पैटर्न आया है, तो काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। जितना ज्यादा मतलब ऐसे मुझे ना चिपके चिपके क्लोथ पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है घर पे, तो मैं तो इस टी शर्ट को आराम से पहन सकती हूँ, कंफर्टेबली पहन सकती हूँ, और ये भी ना बाहर ही पहन के हम जा सकते हैं। तो इसका जो प्रिंट है वो भी काफी अच्छा लगा था, और ये ना इन्होंने वेलवेट सा कुछ क्लोथ ले रखा है, उससे ये इंस्पायर को लिख रखा है, जो कि काफी ना मतलब ऐसे उठा उठा सा आ रहा है इसके ऊपर। तो मुझे ये काफी अच्छी लगी थी ये टी शर्ट, और ये खाली पड़ी थी मुझे 105 रुपीज की। 105 मतलब 100 रुपीज, आप मान लो 100 रुपीज की ये टी शर्ट है।
मतलब यार इतनी ज्यादा अच्छी टी शर्ट कहाँ मिलती है यार। मैं तो यही सोच रही थी कि यार मैं मीशो से कपड़े लेती थी, अमेजोन से लेती थी यार, मतलब इनसे लेती थी, और मैंने तो यार 300-400 रुपए की टी शर्ट मंगवा रखी और यही क्वालिटी होती थी उनकी, तो मुझे ये काफी पसंद आई। अगर आप लेना चाहते हैं ना तो मैं आपको सारी टी शर्ट रेकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर लेना। लिंक तो मैं आपको मैंशन कर ही दूंगी, अब देख लेना कि वो आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही मंगवाया था तो मुझे नहीं पता कि ये मतलब साथ के साथ ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो इसका लुक काफी पसंद आया मुझे, इसको मैं पेयर अप कर सकती हूँ अपनी शॉर्ट्स के साथ, जीन्स के साथ, ये किसी भी साथ मतलब मैं इसको पेयर अप कर सकती हूँ, तो ये काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो इनके ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना उसमें इसका प्राइस लिखा हुआ है 349 रुपीज। तो मेरे ख्याल से ना ये 349 रुपीज की इसको सेल करते हैं, बट ये क्या कहते हैं लाइव सेल चल रही थी तो इसलिए मुझे ये 100 रुपीज में मिल गई थी। बाकी ये टैग का पता नहीं, टैग में तो प्राइजेस वैसे भी ज्यादा लिख ही देते हैं, तो हर किसी मतलब टी शर्ट पे ना प्राइजेस ऐसे ही लिखे हुए 399, 349। और वहां पे भी जब मैं ले रही थी ना तो वहां पे लिखा हुआ था कि मतलब इसका जो प्राइस है ना वैसे नॉर्मली इतना लगता है, बट अभी लाइव सेल की वजह से इतना लग रहा है, तो वहां पे प्राइस मतलब 350 या 400 तक ही हमको दिखा रहे थे, पर लाइव सेल की वजह से मुझे प्राइस इसका कम पड़ गया था, तो ये मुझे 100 रुपीज की ही पड़ी थी, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब यार सेल तो हर जगह ही लगती है, मीशो पे भी सेल लगती है, बट ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए सेल लगती है, वहां पे जाओ क्लिक करोगे फिर सारा सामान गायब हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो अजियो में तो काफी टाइम तक मैंने इसको देखा था कि ये लाइव सेल चल ही रही थी, तो आप अभी भी चल रही होगी, आप लेके जा ले सकते हो उसमें। अब नोटिस करा कि मैंने सिर्फ ब्लू और लेवेंडर कलर में ही टी शर्ट मंगवाई है, तो लेवेंडर कलर पे आ जाते हैं फिर से, तो ये टी शर्ट भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। और आप देख सकते हैं कि ना आजकल वैसे में ना जो स्ट्रिपिंग स्टाइल होता है ना टी शर्ट्स का, वो काफी ज्यादा फैशन में है और काफी लोग डालते हैं, मतलब वो ना कभी भी ना फैशन से जाता ही नहीं है, हमेशा ट्रेंड में ही रहता है। जो हम स्ट्रिप्स वाला होता है ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा मंगवाया था। तो ये टी शर्ट में मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी थी, पता नहीं मेरे को ना इसमें कुछ इतना है नहीं, बट मुझे ना काफी क्यूट लगी थी, जैसे उसमें मॉडल को उसने पहना रखा था ना, तो मुझे काफी क्यूट लगी, और उसी टाइम मैंने इसे कार्ट में डाल लिया था। तो इसकी भी क्वालिटी ना, जैसे मैंने आपको बताया था 90 रुपीज वाली में जो अच्छी क्वालिटी थी, बिल्कुल बिल्कुल हैवी वाली क्वालिटी थी ना, और 100% कॉटन तो है ही, तो वैसी क्वालिटी है इसकी। इसकी क्वालिटी उन सबसे अच्छी है, जो मैंने आपको दो अभी दिखाए थे ना उनसे अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो मैंने इसको डाला था। और ये भी ना थोड़ी लूजर में ही आती है, तो मैं ना एक्स्ट्रा स्मॉल या एस साइज ही प्रेफर करती हूँ। एस साइज ना मेरे को मतलब फिट आता है, और एक्स्ट्रा स्मॉल कुछ ज्यादा ही फिट आता है, तो वो डिपेंड करता है टॉप के हिसाब से। तो मुझे लगा ही थोड़ी ना मुझे टाइट टाइट सी हो सकती है, बट नहीं, ये मुझे काफी लूजिंग में आई है ना, तो मुझे काफी अच्छी लगी है। और इसका प्राइस था 120 रुपीज। 120 रुपीज मेरे यहाँ तो स्टार्टिंग ही 250 के बाद ही होती है, वो भी चीप क्वालिटी में आती है, और 100 की मसा मसा अगर कोई टी शर्ट मिल जाएगी ना, तो उसकी क्वालिटी इतनी बकवास होती है ना। तो नेक्स्ट टी शर्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि एक ब्लू कलर की टी शर्ट है, और अगेन ये एक स्ट्रिपिंग में है, तो मैंने स्ट्रिपिंग में दो टी शर्ट इसलिए ली थी क्योंकि ना काफी बेसिक और हमेशा ट्रेंड में रहती है, और काफी ना इसका लुक भी अच्छा आता है, तो मैंने इसलिए ले ली थी। तो ये वाली मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी डाल चुकी हूँ मैं इसको एक बार, मतलब मेरे से ना रहा नहीं जाता, मैंने कहा यार पहन लेती हूँ, कोई नया नया कपड़ा आता है ना तो मैं उसको उसी टाइम पहन लेती हूँ, तो मुझे इसका लुक काफी अच्छा लगा था, आपने देखा ही होगा मैंने। तो ये थोड़ी टाइट टाइट में आई थी, तो इसको ना मैं मतलब एज अ स्कर्ट के साथ भी वियर मैंने किया था, तो मुझे काफी अच्छी लग रही थी। इन्होंने यहाँ पे ना वी नेक दे रखा है, यहाँ पे वी नेक दे रखा है, थोड़ा अलग मतलब लगा, बाकी मैंने सारे ना मतलब सर्कल वाले में ही मंगवाए थे। तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका प्राइस है 120 रुपीज़। अब आप देख रहे होंगे कि मेरी एक भी टी शर्ट ऐसी नहीं है जिसका प्राइस 120 से ऊपर गया हो, वहाँ पे और टी शर्ट्स अवेलेबल थी जिनका प्राइस थोड़ा अप था लाइव सेल में, बट मुझे ये था कि मुझे ना अफोर्डेबल होल करना है, और अपने मतलब जो ऑडियंस है ना उनके लिए अफोर्डेबल क्लोथ लाने हैं। अगर मैं थोड़ा सा अब भी ले आती ना, तो फिर वही होता है कि हमें ये तो मार्केट में भी मिल जाएंगे इस प्राइस में, और या ऑफलाइन कहीं और भी हमें मिल जाएंगे, या अमेजोन मतलब मीशो में, ये तो हम मिल ही जाएंगे नॉर्मल रेट से ना, ये तो हमें मिल ही जाते हैं, बट इतनी प्राइस की टी शर्ट्स हमें नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि यार मैंने काफ़ी सारे पैसे अपने बचा लिए हैं इन टी शर्ट्स को मंगवाने के बाद, क्योंकि अब मुझे ना थोड़े टाइम तक टी शर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना था कि कैसी आती है टी शर्ट्स। मैं सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन टी शर्ट्स के, पर इसका भी लुक इतना ज़्यादा अच्छा आया है ना, और हर किसी टी शर्ट का लुक इतना बढ़िया आया है ना, तो मुझे ये मतलब ये हुआ कि यार मैं
एक्सप्लोर नहीं करती हूँ और जगह पे मुझे अब एक्सप्लोर करना चाहिए, मीशो 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 करके नहीं रहना चाहिए। मैं मीशो इसलिए लाती हूँ क्योंकि आप सबको मीशो पसंद आता है, बट यार मैंने अब ये देखा है कि हम और प्लेटफॉर्म्स में भी अफोर्डेबल क्लोथ्स ले सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो हमें और जगह भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीशो पर रहना चाहिए। वैसे मैं मीशो के हॉल्स भी लाती रहूँगी क्योंकि मीशो भी मेरा पर्सनली फेवरेट है, बट अब मैंने अजियो ट्राई किया तो मैं अजियो भी ट्राई करूँगी। मैं पहले अजियो से इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि मुझे ना उनकी क्लोथिंग आइटम्स में इतनी ज्यादा कुछ ट्रेंडी दिखता नहीं था जितना मतलब जो ट्रेंड में चल रहा होता था, बट अब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला है कि अजियो काफी ज्यादा है, मतलब उस हिसाब से ना काफी ज्यादा अब अच्छा हो गया और वहाँ पे ना और भी क्लोथिंग आइटम्स मिलती है, तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपको ना अजियो में जाना चाहिए तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन मिल जाएगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, मैंने यही 5 टी शर्ट्स अभी मंगवाई थी, और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं और इसमें से टी शर्ट्स मंगवाऊँ या कुछ और इसका मतलब क्लोथिंग आइटम मंगवाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं तो कुछ और भी ट्राई करूँ। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 5 टी शर्ट्स को मंगवाया था कि यार देखते हैं कि अच्छी आती है या नहीं, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि यार मैं रिटर्न करूंगी उसको अगर अच्छी नहीं आई तो इसलिए मैंने 5 मंगा ली थी, और मैं इसमें से एक भी रिटर्न करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे सारी की सारी काफी पसंद आई है और क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी है। तो आप अगला हॉल किस चीज का देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस।